घर बनाने के लिए हम सब ईंट काम में लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन ईंटों को कैसे बनाया जाता है, किस मिट्टी से बनी हुई ईंटें ज़्यादा अच्छी होती है, कैसे इनको पकाया जाता है और हम कैसे पता करें कि कौन सी ईंट ज़्यादा पकी हुई और अच्छी मजबूत ईंट है, कौन सी ईंट कच्ची होती है। ये सब आप सब जन यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में देखेंगे। आजकल कोई भी घर बनाओ, मकान बनाओ चाहे बिल्डिंग बनाओ, ईंट तो उसमें हर जगह लगती ही है। तो छोटा सा कोई झोंपड़ा भी बनाएगा तो भी ज्यादातर नीचे का जो पार्ट हो ईंटों का रखता है, और चाहे 10-20 मंजिला जो बिल्डिंग बनाते हैं उसका भी ज्यादातर नहीं, आजकल सब जगह ईंट काम में लेते। पहले तो वो बट्टे थे, होते थे, लेकिन आजकल तो सब जगह ईंट है। और राजस्थान के अंदर हमने सबसे ज्यादा ईंट जो देखी है वो ईंट है, यही देखी है, और कहीं देखी थी याद आ रही? नहीं। सबसे ज्यादा जो ईंटों के भट्टे हैं वो यही क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान, भारत के राजस्थान राज्य के अंदर जो उत्तरी जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, उनके अंदर ही है। और सबसे ज्यादा गंगानगर में, हनुमानगढ़ में भी इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर गंगानगर में एक विजयनगर स्थान है, वहाँ पर खूब सारी ईंट निकलती है। आगे 10-20 किलोमीटर बाकी हम जा रहे हैं वहाँ पर, और विजयनगर की ईंटें बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब अच्छी ईंट मंगवाना अगर चाहते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि विजयनगर की मंगवाएंगे। तो हमने सोचा चलो आज विजयनगर चलते हैं, ईंटों के भट्टे देखेंगे, मिट्टी के अंदर खेलेंगे, ईंट बना सी नहीं सुनी सुनी घर और पहले ईंट बनाएंगे फिर घर बनाएंगे। अभी चलेंगे, आज ईंट बनाएंगे, आज पूरे दिन ईंट बनाएंगे है बेटा, मिट्टी के अंदर खेलेंगे है। हाँ बेटा, डिब्बे पर कौन खेला, मिट्टी के अंदर खेलते। हाँ, डिब्बे पर नहीं जाएंगे, मिट्टी के अंदर जाएंगे हैं, गीली मिट्टी से ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके ईंट बनाएंगे है बेटा, पक्का ईंट बनाएंगे ना। सिया बना सा सिया अरे सिया तो बना दी, एक तो सिया नाम की ईंट, एक सिया तो बना दी नहीं सिया नाम की ईंट बनाएंगे, सिया नाम की ईंट बनाएंगे क्या पापा? हाँ पापा नाम के बता, पापा का नाम क्या है? संजय। संजय। और मम्मी का? मम्मी का शारदा। आपका क्या नाम है? मेरी तो सिया बाबू नाम है। सिया बाबू नाम है। दोस्तों सबसे पहले हम एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां पर कच्ची ईंटें निकाली जा रही है। आपका शुभ नाम भाई साहब? हरविंदर सिंह है जी। हरविंदर सिंह। हाँ जी। और ये गांव कौन सा है वैसे? ये 34 जी भी पड़ता है विजयनगर के अंदर। हाँ जी, विजयनगर के पास में ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर राजस्थान के जो अंदर जो ईंट निकाली जाती है विजयनगर की साइड ईंटें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ जी, हाँ जी। प्रसिद्ध है। हाँ जी। तो क्या खास बात है, क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ मिट्टी अच्छी है ईंटों के लिए। यहाँ की मिट्टी अच्छी, मिट्टी कहाँ से लाते हो? यहीं से, यहीं लोकल। हाँ जी, खेतों में से, खेतों में से मिट्टी लाके, और ये मिट्टी का ढेर खेतों में से लाकर के करते हैं। हाँ जी, इकट्ठा कर लेते हैं पूरी सीजन की, और 9 महीने सीजन चलता है ये लगभग ईंट बनाने का। ईंट बनाने का 3 महीने बारिश वाले नहीं चलता है? नहीं, हाँ जी, वो नहीं चलता उसको, नहीं 30 जून तक चलेगा। 30 जून तक चलेगा। हाँ जी, तो 9 महीने में शुरू हो जाता है ये। और ये जो आपने गिल्ला करके यहाँ पर जैसे नहर की तरह बहुत दूर में कर रहे हैं, कितनी मिट्टी रोज इसके पास? यहाँ 1,00,000 ईंट डेली बनती है। 1,00,000 ईंट डेली की? डेली। हाँ जी, कच्ची है। तो इतना सारा पानी कहाँ से लेके आते हैं? मतलब ट्यूबवेल लगा हुआ है साथ। अच्छा, ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसमें से सीधा ही पाइप चला के, पाइप चला के फिर इसको गिल्ला करते हैं। हाँ जी, हाँ। और फिर ट्रैक्टर भर भर के लेके जाते हो क्या आप? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये ईंट की थोड़ी होश बनती है इससे, मशीनी गारे से। मशीनी गारे से क्या? हाँ जी। और आदमी गिलो गिलो के करते हैं उससे? उससे थोड़ा सा कम, इतनी जितना गारा बढ़िया मशीन से बनता है ना, हाथ से नहीं बनता। हाथ से नहीं बनता। तो ये गिलो है किसने? मशीन नहीं, गिलो है किसको? हाँ जी, मशीन नहीं, इसी ने? इसी नहीं। अच्छा, आगे पीछे काट मारनी पड़ती है, आगे पीछे कर करके। हाँ जी, हाँ जी। कितने मिलाते हैं? 30% रेत। 30%? हाँ जी, 30%। अगर रेत नहीं मिलाए तो वो टाइट हो जाता है, गारा टाइट ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, चिकना ज्यादा है, मिट्टी थोड़ी चिकनी ज्यादा है। चिकनी ज्यादा है तो उसको चिकना हटाने के लिए? तो फिर रेत तो है ही नहीं आसपास? नहीं, यही है पास में, 2-3 किलोमीटर के आगे तो रेत के टिल्ले हैं। टिल्ले हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वहाँ से रेत ले आते हैं। हाँ जी।
फिर इस तरह से जो है वो डेरियां कर देते हैं मिट्टी की, और डेरी करने के बाद में ये ईंट बनाते हैं। आपका नाम क्या है वैसे? वैसे सुनील। सुनील, आपकी फुर्ती तो बहुत, मतलब बहुत फुर्ती से ईंट बनाते हो। कितनी बना देते हो? फुर्ती ना सही है, 4000। एक दिन में 4000 ईंट बना देते हो? और आपको पैसे कैसे मिलते हैं एक ईंट के ऊपर के? एक ईंट 50 पैसे। 50 पैसे एक ईंट के मिलते हैं, तो 4000 बना देते हो, 2000 रुपये रोज के। आप अकेले या मिल के, मतलब फैमिली के साथ में? फैमिली के साथ में, पूरी फैमिली 2000 रुपये रोज के कर लेते हैं। ये ईंट कितने दिन में सूख गई है मैं साहब? तीसरे दिन भरते हैं। तीसरे दिन वापस भर लेते होगे? तो 3 दिन में सूख जाती है या गिल्ली है अंदर से? थोड़ी बहुत गिल्ली है। नहीं, गिल्ली तो नहीं है अभी साहब। अच्छा, बस भर गया। ये यहाँ पर इस तरह से मकान बना के ईंटों के कच्चे, और यहीं पर रहते हैं जो मजदूर होते हैं, और ये यहीं पे खेत में खुदाई करके इसी मिट्टी की ईंटें बना रहे हैं। इस तरह के खूब सारे खेत हमने देखे हैं, बाकी जमीन से जो थोड़े से नीचे है, और यहीं की मिट्टी काम में लेकर के 2-3 साल तक ये भट्टा यहीं चलेगा, फिर अगले दूसरे खेत में शिफ्ट कर देंगे। और एक ईंट का कितना रुपये मिलता है आपको? इसमें दे रहा है 430 रुपये दे रहा है प्रति हज़ार। अच्छा, मतलब 50 पैसे भी थोड़ा कम है, लगभग 40-43 पैसे है। और वैसे आप हो कहाँ के? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिला कौन सा? जिला जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। ये जीवन में पहली बार ईंट बनाने का अनुभव। और ये बिगाड़ दी, मेरे से ठीक से भर नहीं रही अंदर। सीधा ईंटे बनाने लग गई आज। जोर लगा बेटा, बेटा जोर लगा, जोर से। सिया इसके अंदर बैठ के विजिट करके आ रही है बट्टा। आपका शुभ नाम भाई साहब? विजय बिश्नोई। विजय बिश्नोई, तो आप हमें ये बताओ कि जो बाहर बन रही है ईंटें गीली मिट्टी वाली, वो यहाँ आने के बाद में कैसे रखते हैं? यही है, ये लगी है। तो इस तरह से मतलब बीच बीच में जगह छोड़ के फिर रखी जाती है? और करीब ये कितने फीट होगी? 8 फीट? नहीं, 10 फीट। 10 फीट है ये रख रहे हैं? कैसे? तो इसके ऊपर बार और दे दिया रखने के बाद? ये बुरना पड़ता है ये वापस ना। हाँ, अब ये हवा नहीं लेगा, ईंट इसके बगैर पकेगी नहीं। ऊपर ही रखते हैं ये, नीचे बीच में नहीं आने देते ना? बीच में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम जी राजेश कुमार है, मैं गढ़साना से हूँ, 5 मंडली गाँव मेरा। इंदर सिंह जी, ये पूरा गीला क्यों नजर आ रहा है मुझे? पूरी भट्टी गीली दिख रही है। तो ये नहीं गिल्ली ईंटें, उसका सिलाब पकड़ लिया।
अच्छा ईंट पूरी तरह से जो सूखी नहीं है वो उनकी वजह से ये वजह से वो क्यों माला जैसे गर्म होती है नहीं उसके गीला भागता है अंदर। अच्छा तो ये पानी उस तरह से छोड़ती। अच्छा एक और बात भट्टी के बारे में, ऊपर से छोटी है नीचे से चौड़ी, इससे फायदा है कोई? उससे तो मतलब पीछे पहले बड़ा होता है ऊपर जाकर धीमे धीमे कम हो। नहीं वो क्या है थोड़ा मतलब वो जो गैस बनती है ना वो गैस क्या ऊपर कम जगह रहेगी नीचे छोड़ा रहेगा तो पूरा खिंचाव पूरा रहता है। अच्छा खिंचाव पूरा रहता है मतलब प्रेशर बना रहता है। अच्छा अच्छा खींचा रहेगा तब इस तरह से खींच जाएगी। और जितनी नमी आती है ईंट में सूखी ईंट आपको अभी नजर आई है सूखी, जो अभी जो ईंटे जब टेम्परेचर आग का पिक चल रहा है और आगे जो ये आपको नजर आ रही है पन्नी से लग रही है ये आ रही है इसके पास में सारा पानी पानी आ जाता है तो सारी टेम्परेचर इतना गीला होता है स्लैब ये खींच करके यहाँ आ जाएगा पूरा गीलापन यहाँ पे आ जाता है गीलापन। और तो ये त्रिपाल क्यों लगा दिया यहाँ पर? त्रिपाल लगाया हुआ इसीलिए तो ये आगे क्रॉसिंग ना हवा ना ले, ये हवा नहीं लेगा तो वो वहाँ पे खींच सके ना प्रेशर, तो वो हवा कहाँ से जाएगी? वो वहाँ से जहाँ पे आग सकती वहाँ से निकलेगी। सॉरी नहीं वहाँ आग लगी हुई है उसकी हवा ऊपर जाएगी तो उसकी हवा ऊपर जाएगी तब यहाँ से खींच रहेगा वो हवा खींच रहा है। वो जो आग जलाई हुई है वो खींचेगा ये चिमनी खींचे जितनी ऊंची ज्यादा होगी जितना साइज ऊपर से कम होगा तो उतने ज्यादा स्पीड से खींचेगा ईंट के भट्टे की प्रक्रिया को समझना बहुत ही आसान है। ईंट का भट्टा इसी तरह से 24 घंटे चलता रहता है, धुआं निकालता है, आग जलती रहती है और ईंटें पकती रहती है। इसके पीछे का साधारण सा विज्ञान यह है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ रहती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ रहती है, यानी कि गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी भी कमरे में हम एसी जब लगाते हैं तब ऊपर की तरफ लगाते हैं और हीटर कमरे में नीचे की तरफ रखा जाता है, जलाया जाता है ताकि पूरा कमरा जो है वो गर्म हो जाए अथवा पूरा कमरा ठंडा रहे। यहाँ पर भी वही विज्ञान है, चिमनी का सेप इसी तरह का दिया जाता है और ऊंचाई पर जाकर इसका मुंह खुलता है। चिमनी हवा हमेशा नीचे की जो गर्म हवा होती है उसे ऊपर की तरफ खींचती है गर्म हवा को, और नीचे ठंडी हवा फिर कहां से आती है? ठंडी हवा यहाँ पर आप देखिए ईंटें जो है वो एक तरफ से गाड़ी भर रही है उस साइड से पकी हुई ईंटें हैं और एक तरफ से कच्ची ईंटें हैं, तो कच्ची ईंटें आगे से आगे जचाते रहते हैं और पक्की ईंटें निकालते रहते हैं। तो जहां से पक्की ईंटें निकाल रहे हैं गाड़ी भर रही है सिर्फ उस एक स्थान से हवा जाती है, बाकी पूरी तरह से भट्टा जो पैक कर देते हैं ताकि अन्य किसी स्थान से हवा ना आ पाए। और इस प्रकार भट्टा चलने से ईंटें जो लगातार पकती रहती है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो कच्ची ईंटें मिट्टी द्वारा बनाने के बाद में यहाँ ला करके जचाते हैं वो पूरी तरह से सूखी हुई नहीं रहती है, उनमें थोड़ी सी नमी रह जाती है। अगर नमी अधिक रह जाए तो उन ईंटों की तरफ से भी छोटा सा एक मुंह ऊपर खोल करके हवा प्रवेश कराई जाती है ताकि जो है वो नमी निकल जाए वहां से। बाकी इसको बंद करना जरूरी है, जबरदस्त खींच रहा है और पानी चला रहा है ना, वहाँ पे इतनी आग है और यहाँ पे इतना ठंडा होगा। हाँ ठंडा है क्योंकि ऊपर वाली हवा नीचे जा रही है, नहीं वो नमी है ना वो खींच के निकालता है। अच्छा इस कारण से ये जबरदस्त, ये एक कहीं से ना कहीं से ऐसा खुला रखना पड़ता है क्या? नहीं नहीं ये तो माला जैसे माला ज्यादा ईंटें गिली होती है उसी वजह से तो खोलना पड़ता है। हाँ क्यों मान ली तो गिरने दे देती है, गिरने का डर रहता है। तो ये पता कैसे लगे ईंट गिली है तो खोल देते हैं? चलो खोल पसीना हो जाता ज्यादा काम पर होगा पसीना बट्टी चिमनी पे इस पे। हाँ, गिल्ली ईंट के ज्यादा पानी निकलेगा नहीं ये उसी की वजह से निकलता है कुछ आगे सारा ये कंडीशन उसकी। अच्छा इस साइड में कच्ची ईंटें भरी हुई है ये पीछे पका मतलब कच्ची है ठीक है वो तो कच्ची है ईंट है ये ऊपर यहाँ पे इनके सुराख रखे हुए हैं अंदर कचरा डालने के लिए ये सुराख है। एक मिनट देखो अभी दिखाते हैं यहाँ से ये है ना
ये रखे हुए ऐसे। अच्छा, इसके अंदर कतरा डाल देंगे, कोयला, गुणा, नीरा जो भी है। उसके बाद में ये पक रहा है जबरदस्त आंच है नीचे। तो हमेशा यहीं से डालते हो चाहे ईंट कहीं रखी हुई हो? ईंट यहीं होगी, कहीं का रखी है, यहीं रखी हुई है, यहीं से डाल रहे हैं। नहीं, ये जो क्या बोलते हैं इसको, गोल गोल, ये है, ये तवे है। तो ये तवा जैसे यहाँ है आज, यहाँ है तो कल कहाँ होगा? नहीं, कल नहीं है, डेढ़ घंटे बाद चेंज हो जाएगा। अच्छा, डेढ़ घंटे बाद अगली जगह रखते हैं। डेली 30,000 ईंट पक जाती है इसमें, जितनी भी गुम्बी बनी हुई ये पकी हुई ईंट है। अच्छा, इस साइड में पक गई, सब पकी हुई है, ये कच्ची है, ये पकी हुई है, पीछे वो पक्की निकाल रहे हैं। मोरिया रखी हुई है अब यहाँ पर भी, ये तवे लगाए आगे, तो आगे। किसको? ईंटे की मोरी बनी हुई है, ये रखी है ना, ये जैसे ये मिट्टी है ना, ये निशान दिए हुए इसमें, इसको उठाई इधर उधर करके दोनों ईंटो और उसके ऊपर तवा डाल देंगे। यहाँ का निशान है, यहाँ निशान है, यहाँ निशान है, निशान बने हुए। यहाँ कहाँ है पता, कैसे पता चलेगा? ये ऊंचा दिख रहा है, ये ऊंचा दिख रहा है, ये वाला है, ये देखो, ये निशान है, ईंट ही है, मतलब ईंट साइड में रखी ईंट, एक एक ईंट ऊपर रखी हुई है। दो दो ईंट, दो दो ईंट, वो सुराख छोड़ते हैं, सुराख के ऊपर फिर दो दो ईंट डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर रख, ये इनको सब मालूम होता है, फिर वो उठा लेते हैं। तो ये आग जो है बस अब इधर ही है, यहाँ आग नहीं है अपनी तरफ से है, आग है यहाँ पे है। जब ये लैंड पक जाएगी ना पूरी, अच्छा ये पक जाएगी, उसके बाद ये तवे यहाँ से इनको घूर देंगे, दो घंटे डाल के, और यहाँ मोरी दूसरी खोल के, और ये तवे आगे डाल के पकाते जाएंगे। अच्छा, मतलब मेन आग जो है यहाँ पर है, लेकिन इसका जड़ थोड़ा बहुत इधर उधर है, आगे है 100 फुट तक जाना है, 100 फुट तक है, और पीछे भी 100 फुट तक होगा, पीछे है 50 फुट तक, 50 फुट तक पीछे है, और आग यहाँ से खिसकाते जा रहे हो बिल्कुल। और वो लकड़ियाँ कहाँ से डालते हैं, यहीं से क्या? लकड़ियाँ सब कुछ ये जैसे गोबर वगैरह सब ये खाद मिलता है, ये मोरी ये नहीं, इनमें से डालते हैं। हाँ, पीछे पीछे वो निकाल रहे हैं, पीछे पीछे पक्की ईंट निकलती जाती है। अच्छा, पीछे पीछे निकलती जाती है, पीछे पीछे वो सोचते हो ये हमें सब चलता रहता है, ये तो हमेशा चलते, चेक करना भाई बस पक्की की, बस ये देख रहे थे ना, इसका पता हो जाता है ये पक्की है, ये नीचे तो ये साफ दिखने लग जाएगी। अच्छा, क्लियरिटी ज्यादा आ जाएगी, क्लियरिटी। अच्छा, और ये लकड़ी की चप्पल पहन रखी है, अच्छा चल जाएगा। कितना चारा डालना पड़ता है इसमें हमेशा? कम से कम 2-3 बार डालते हो? हाँ, 3 बार, 3 बार डालते हो 3 घंटे में। और इसका जलने का धुआं ऊपर निकलता है वहाँ चिमनी में, चिमनी खींच रही है। ये इतनी दूर तो ईंटें आ गई, ठीक इतनी दूर उस साइड में, बीच वाले पार्ट में क्या चीज है? ये पार्टीशन के अंदर क्या होल होते हैं जो आपको पीछे है, हमने दिखाए होल, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह छोड़ते उसके अंदर, मतलब मकान मान ले तो मकान है नीचे, मकान की तरह, मकान की तरह नहीं है, मतलब मकान की वैसे साइज उसकी तरह, छोटे छोटे होल बनाए हुए, छोटे छोटे लाइनिंग, बाथरूम जितने होंगे नहीं तो लंबे लाइन में, अच्छा लंबी गैलरी की तरह, गैलरी की तरह, अच्छा जो हॉस्पिटलों में ऐसे लंबा ऐसे होता है, वैसे वैसे ये हो, ये होल है, मेन नाली है, ये नाली है, मेन नाली है यहाँ पे बीच में सेंटर में नाली, उस नाली के द्वारा ये धुआं जाता है। अच्छा, तो आपको यहाँ से निकल के धुआं यहाँ से क्रॉसिंग हो रहा है ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो नाली बंद है और खोलते कैसे आप? तो मान लो जैसे मुझे ये नाली बंद करनी है तो कैसे करोगे, यहाँ से बंद कैसे करोगे? ये अंदर मान लो ये इसके अंदर बंद वाली चाबी लगेगी, ये चाबी लग के आगे लगा, अच्छा वो गेट लग जाएगा उसके आगे, चाबी लग जाएगी। हाँ, गेट लगा के बंद कर दिया, फिर आगे मतलब चाबी लगा, आगे वाले में गेट उतार लोगे तो सब के एक ही गेट लगा हो भैया। अच्छा, ये बात है, ये लगा हुआ है इस तरीके से, दो चाबी होती है, एक आगे एक पीछे। आप चाबी इस सरिये को बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये चाबी, अच्छा ये पूरी चाबी है, एक ये पकड़ने वाला हैंडल है। अच्छा, ये हैंडल है इसको, वो जैसे हाँ वो रहा वो रहा, ये पूरी लगा कर अंदर बढ़ जाते हैं, आगे जाके खोल लेते हैं, फिर माल आगे वो सिर्फ रास्ता निकालने का एक तरीका है। हाँ, और रस्ते का एक एक ब्लॉक बने हुए हैं। हाँ, इतने, 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 इतने इतने सेट है। हाँ, जैसे नेक्स्ट सेट में प्रवेश करेगा पिछला बंद, पार्टीशन होगा ना, ये पार्टीशन, यहाँ पे पार्टीशन हो गया, ये हो गया, लग लग वहाँ पे पार्टीशन हो गया, 10-10 फुट के लगभग, 10 फीट का है क्या लगभग? ये पार्टीशन हो गया, आगे फिर पार्टीशन हो गया, जैसे पार्टीशन होते जाते। अच्छा, तो भट्टे की बनावट समझने के लिए ये चिमनी है
और चिमनी के चारों ओर यहाँ पर ये जो गोल गोल इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये धुएं की निकासी के लिए बना हुआ है। ये इस तरह के छोटे छोटे जो आप दरवाजे देख रहे हैं, इनसे धुआं जो प्रवेश होता है और यहाँ पर नालियां बनी हुई है लंबी लंबी, उन नालियों के जरिए ऊपर की तरफ धुआं उठ करके जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊं कि अब जो कहां पर आग जल रही है और कहां से धुआं जा रहा है, ये यहाँ पर देखिए पकी हुई ईंटें हैं और यहाँ पर अभी आग जल रही है, ठीक है। और ये जो इस तरह के मुंह है, दरवाजे हैं, वो सारे बंद रहते हैं, सिर्फ एक खुला रहता है और वो लगभग यहां पर जो है वो एक खुला हुआ है। अभी आग यहां पर जल रही है तो धुआं जो है वो यहां से आकर के इस साइड में जाकर के और ऊपर की तरफ जाता है। हवा सिर्फ एक ही जगह से प्रवेश करती है और वो कहां से करती है, सिर्फ इस पार्ट से, यहां से हवा प्रवेश करती है और इस तरह से हवा ऊपर से बंद है, ये नीचे नीचे ईंटों के अंदर अंदर इस तरह से हवा चल करके यहां आग जल रही है और उसके बाद में यहां से प्रवेश करती है। ये जो इतना सा पार्ट यहां पर एक्स्ट्रा है, आग तो क्योंकि यहां पर जल रही है तो ये जो इतना बीच में छोटा सा पार्ट जो है, ये नमी वगैरह जो आगे की ईंटों के अंदर होती है वो जाने के लिए है, वो नमी यहां से निकल जाए। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आग आगे बढ़ती है तो ये यहां पर कच्ची ईंटें हैं, इनको भी जो है वो पकाएंगे। उसके बाद में एक जो स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बना हुआ है, ये देखिए, और इस बाहर वाले स्ट्रक्चर के बीच में क्या है, यहां पर खूब सारी ईंटें रखी जाती है। ये यहां पर सिर्फ हवा जो यहीं से प्रवेश करवाते हैं, बाकी ये ऊपर की साइड में मिट्टी डाल देते हैं। साइड में जो इस तरह के दरवाजे दिख रहे हैं खुले होते हैं तब तो यहां अंदर जाकर के ईंटें जचाने के लिए, पक्की ईंटें लाने के काम में लेते हैं इन दरवाजों को। अदरवाइज क्या करते हैं, इनको अच्छी तरह से पैक कर देते हैं ताकि यहां से भी हवा प्रवेश ना कर पाए, ऊपर से ईंटें लगा करके गारा लगा देते हैं। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अच्छा ये है वो दिख रहा है सामने, ऐसे ऐसे होल है तो उनमें एक बार में एक ही खोल के रखते हो गए? जैसे खत्म होता है फिर उसके बाद में अगले वाला खोल देते हैं। अच्छा, यहाँ से तैयार ईंटें जा रही है, पूरे राजस्थान में ईंटें सप्लाई होती है, पूरे राजस्थान में होती है, सांसोर, जालोर, आहोर, बाड़मेर और फलोती, जोधपुर, माल, सभी जगह ईंटें सप्लाई होती है पूरे राजस्थान में। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ की ईंटें पूरे राजस्थान में सप्लाई होती है। अच्छा, और पूरे साल ये बैठे रहते हैं, दो महीने जो बरसात के मौसम में नहीं चलते, नहीं चलते। अब एक और बात बताओ, इनके अंदर से कौन सी ईंट जो है वो कच्ची होती है और कौन सी पक्की होती है, कोई देख के बता सकता है? हाँ, ये देखो, ये ईंट है ना जो जहाँ से अपने आग दिखा रहे थे, हाँ, आपको दिखा रहे, वो होल जिसको बंद किया है, हाँ, वो चीज ही है, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो ये चीज कच्ची है, ऊपर वाली कच्ची होती है, सबसे कच्ची यही है, सबसे कच्ची बजा के पता चलेगा, इसका बजा के बिल्कुल ये पता चलेगा, ये देखो कच्ची है, बिल्कुल कच्ची आवाज आपको नजर आ रही, बाकी आपको दूसरी ईंट की भी नजर। और ये सबसे सस्ती ईंटें हैं, ये तो टूट भी गई नहीं, हाँ, मतलब खराब पक्की हुई, तो इससे ऊपर जो ईंटें है ना वो थोड़ी कम पकी हुई है। किसे ऊपर? इस ईंट से ऊपर, ये जो ऊपर की दो लाइन, दो या तीन लाइन, दो तीन लाइन, वो ईंट कम पकी हुई है, ये यहाँ तक फुल पकी हुई है। अब नीचे से एक एक दो दो ईंटें यहाँ कच्ची बचेगी, अच्छा, वो कम पकी हुई है नीचे वाली। ये जो ईंट है ना, जैसे ये ईंट है यहाँ से, यहाँ सिर्फ इनमें से मैं बोलूं, सिर्फ दो ही लाइन बताओ सबसे बेस्ट पकी हुई, तो कौन सी है सबसे बेस्ट? ये इंट है जो पीली पीली होती है, ये ज्यादा पकी हुई होती है सबसे बढ़िया, ये पकी हुई, ये इंट पकी हुई। अच्छा, ये देखो काच की तरह, ये सबसे ज्यादा बढ़िया पकी हुई। दो इंटे दे भैया, रे भैया, लो, हाँ, जाली ले, बाकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक फुल ही है, कोई कमी नहीं इसमें, सबसे ये सबसे। अच्छा, इनमें है ना ऊपर वाली तो लाल है, बीच वाली पीली है और नीचे वाली काली ईंट है, तो पीली वाली सबसे ज्यादा पकी होती है, लाल वाली नहीं, कच्ची है, कच्ची ईंट होती है। आप क्या भाव देते हो ईंट को, जैसे मुझे ले जानी है तो क्या भाव मिलेगा? 3000 रुपए हजार पक्की ईंट, जो बीच में से अगर लें तो 3000 रुपए की हजार ईंट। अच्छा, और ऊपर वाली वो 1500 रुपए की हजार ईंट, और नीचे चूल्हे वाली बोलते हैं 2000 रुपए, मतलब ऊपर वाली से नीचे वाली थोड़ी ठीक है, फिर भी ठीक है।
अच्छा, चूल्हे वाली बढ़िया मानी जाती है, लाल वाली सबसे खराब होती है। खराब नहीं है, बस रेट कम है। रेट कम है मतलब कम पकी होता है, कच्ची ईंट होती है। में ठंड नहीं लगती है गर्मी में? गर्मी में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा मौसम होता है ईंट निकालने? गर्मी होती होगी, गर्मी दिक्कत है। अब यहाँ अपन खड़े हैं तो अभी ऐसे जल रहे हैं, गर्म गर्म। और ये ईंट हाथ में लेते हैं तो हाथ जल जाते होंगे ना? गर्म को तो है दिक्कत। ये सुबह तक ठंडी हो जाएगी? सुबह तक नहीं होगी, पर कुछ इससे ठंडी हो जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। सुबह भरना स्टार्ट कर देंगे 9 बजे। भाई किसी को गर्म गर्म ईंट चाहिए तो सुबह सुबह ले जाओ। सोचे कि ठंडी ईंट नहीं लानी, गर्म लानी है तो गर्म गर्म ले जाओ। आज बेटा आज ये आ गाड़ी ले ले। तो इतना निंडा सी कौन बात में? ये चूल्हे वाली ईंट है, सबसे नीचे एकदम लास्ट वाली। ऐसे लग रहा है ज्यादा जोर से हमारी तो टूट जाएगी, कच्ची है थोड़ी। वो टन टन बाज रही थी, ये कच कच बाज रही थी। थोड़ा जोर से करना आवाज। तो वही ये लाल वाली ईंट है, सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली ईंट है। बोलने में अपन टॉप ईंट बोल सकते हैं, लेकिन है टॉप नहीं है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड ईंट, सबसे थर्ड क्लास। बजाना थोड़ा जोर से बजाना, टूटने लगी। ये भुरभुरी हो जाती है जल्दी, बस ये कच्ची ईंट है थोड़ी ना। हाँ, ये पानी से हो जाती है ना, ऐसे खराब हो जाती है। साल कितने साल हो गए इन ईंटों? 15-20 साल पहले की ईंटे हैं जो कच्ची हैं। तो ये कच्ची होने का क्या कारण है? ये मलकम पकी हुई होती है, कम पकी हुई। ऊपरी जो सबसे ऊपर वाली थी वो लगाई हुई है। हाँ, वो लगाई हुई। बाकी नॉर्मली जो पक्की ईंट होती है वो ऐसे नहीं होती। हाँ, नहीं होती, मतलब नहीं होती। वो तो एक नंबर 50 साल के 500 साल भी देखने की जरूरत नहीं है। अनूपगढ़ में आप जाओ तो अनूपगढ़ के अंदर एक गड्ढा बना हुआ है, जाके आए थे, बना हुआ है। उसमें ईंटे कोई खराब है, आज भी कम से कम 300 साल पुराना वो गड्ढा है। वो भी है भटनेर का भी था। हाँ, भटनेर का दुर्ग, वहाँ पे भी ईंटे बनी हुई है, ईंटों से भी बने हुए। वो जो पक्की ईंट होगी वो तो चलेगी, चलेगी, और ये भुर जाएगी, फिर वो भुर जाएगी क्योंकि उसकी पकाई नहीं होती ना, वो एक मतलब गर्म मिट्टी में बस सिकी हुई है। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हो भाई साहब? ये लीप रहे हैं, इसको लिपाई कर रहे हो? ये क्या चीज है, दीवार है या सिर अंदर कच्ची ईंट है? इसके अंदर कच्ची ईंट है, सिर्फ फंदी। पहले कच्ची ईंट डाल दी, फिर ये दीवार बना करके मिट्टी लगा रहे हो इसके? अगर नहीं लगाए तो गैस में आग निकलेगी। ये होती है यहाँ से क्या, इसको लीप देंगे। अच्छा, इसको इसकी लिपाई करेंगे, ठीक है? उससे क्या है कि जो हवा ले जा रहा है तो वो हवा ना जाए इसके अंदर से, हवा ना जाए, गैस पूरी बनी रहे, पूरा प्रेशर बना रहे। अच्छा, अगर यहाँ से वो जोर लगाए हवा के लिए, लेकिन हवा जाए नहीं, जोर लगाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हवा यहाँ से जाएगी तो ईंटों में जो आवाज में और क्वालिटी में फर्क आ जाता है। तो वो हवा लेता कहाँ से? वो बीच में आपने बताया खुली रखा, वहाँ से ही लेगा, बस वही लेगा। तो ये बट्टे पर आपका क्या काम है? बट्टे पर जी मैं ये कचरे की सप्लाई करता हूँ, कचरे। अच्छा, ये जो जलाने के जलाने का वाला, तो क्या कहाँ से लेके आते हो और क्या रेट सप्लाई करते हो? नहीं, ये तो क्या यहाँ पे स्टॉक होते हैं घरों, मतलब खेतों के अंदर जो इतना माल होता है वो कांटे पे आता है, कांटों से खरीद के हम पहले इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में क्या बाजार में जब भाव इसका बढ़िया रहता है तो हम दोबारा सप्लाई कर देते हैं। वैसे बाजार में जैसे सरसों भी निकलेंगी, निकलते हैं क्या है कि वो भट्टों पर आएगा माल, उस टाइम थोड़ा भाव डाउन रहते हैं, फिर बाद में हम इसको दोबारा रीसेलिंग करते हैं, सर्दियों के अंदर रीसेलिंग करते हैं इसको। तो भट्टे पे आप इसे बेचते हो बाहर कहीं से? खरीद कर बेचते हो? बिल्कुल। तो क्या भाव मिल जाते हैं आपको भट्टे? ये भाव अभी तो अच्छे चल रहे हैं, 330 रुपए और 40 रुपए, 330-40 रुपए क्विंटल का। कचरे नाम की जो आज आग है ना, आग हर चीज को सम्मोहित कर लेती है, समझ गया? कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आओ तो इसमें जलेगा बिल्कुल। छाने वो गिल्ली किक्कर है, एकदम गिल्ली किक्कर आई ना पहाड़ी, वो भी इसमें जलेगी। आप सीधी किक्कर बाड़ के इसमें डाल दो, वो भी जलेगी। हाँ बिल्कुल। तो कई लोग कहते हैं भाई सुखी लानी है, सुखी का कोई कहानी नहीं है, मतलब आग इतना टेम्परेचर होता है इसका, ये मतलब कितनी हरी चीज हो तो वो जल जाएगी। दिनों से देख रहा हूँ आप चित्तौड़गढ़ की तरफ बनाया है आपने चैनल, इधर भी वीडियो बनाया है, और एक मंदिर की तरफ भी गए हो आप, उसके बाद आपके मिलने भी
लोग बाग आए थे वहाँ पे, तो अभी देखा था आप इधर ये अपने वो गाजर की ट्रॉली के ऊपर सीन है आपका, उसके बाद में वो एक जगह आपने वो किन्नू की देख रहे देर की फिल्मांकन किया हुआ है। अच्छा अच्छा, काफी टाइम से आप है। हाँ, मैं बिल्कुल आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद।